Hi guys, wish you a very very good morning. This is me Aisha Joshi and you are watching me on the channel of Achieve IAS. So जैसे कि आप सभी जानते हैं हम डेली द हिंदू का एनालिसिस लेते हैं, द हिंदू के एडिटोरियल्स को यहाँ डिस्कस करते हैं और उसी के साथ में सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जाती है, ठीक है। और जिससे कि आपको एक हेल्प हो जाए कि जो लोग इंग्लिश में जिन्हें इशू आ रहा है या दिक्कत आ रही है तो उसे यहाँ पे क्लियर हो सकता है। मैं कोशिश करती हूँ कि उसके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाए। उसी के साथ में मैं कोशिश करती हूँ कि मैक्सिमम लेवल पे आर्टिकल्स जो है वो न्यूज़पेपर के यहाँ पे हमारे साथ कवर हो जाए, ठीक है। अब हम बात करेंगे आज के न्यूज़पेपर की। आइए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। सबसे पहले तो आज का फर्स्ट जो न्यूज़ है जो कि बिल्कुल हॉट न्यूज़ है, आप सभी को पता है 3 मई को जो लॉकडाउन ओवर होने वाला था उसे 17 मई तक एक्सटेंड कर दिया गया है ना। इसके अंदर कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओपन होंगे जिससे कि जो लोग माइग्रेंट्स हैं या जो कह सकते हैं जो इधर उधर फंसे हुए हैं एक से दूसरे स्टेट में या सिटी में, वो लोग जा सकते हैं अपने घर को, उनको हेल्प हो जाएगी। इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ओपन कर दिया गया है पार्शियल लेवल पे, है ना। कुछ कुछ एरियाज में जहाँ पे प्राइवेट कार्स को ओपन कर दिया है और कैब्स भी अलाउड है लेकिन बहुत कम राइडर्स के साथ में, है ना। बस में भी जितनी, जैसे अगर मान लीजिए 40 सीटर बस है तो वहाँ पे 20 सीट्स जो है वही अलाउ होगी फुलफ़िल होने के लिए, ठीक है। सो ये रहेगा यहाँ पे आंकड़ा। उसी बेसिस पर जो है श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स भी चलाई जा रही है रेलवे द्वारा, जिससे कि श्रमिक स्पेशल्स जो है वो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो वर्कर्स हैं या लेबरर्स हैं। अब क्योंकि वो जॉबलेस होकर घर पे बैठे हैं तो अब उनके लिए अर्न कर पाना, अपने लाइफ को सर्वाइव करना थोड़ा सा टिपिकल हो रहा है ना। उसी लिए श्रमिक स्पेशल जो है ट्रेन चलाई गई है जिससे कि माइग्रेंट्स अपने घर को लौट सके और जो फेसेस वो जो इश्यूज वो फेस कर रहे हैं वो ना कर सके, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो डिसीजन है उनकी गाइडलाइन के तहत कुछ रिलैक्सेशन के तहत ग्रीन, रेड और ऑरेंज जो 3 जो है सेक्शंस बनाए गए हैं, जोन्स बनाए गए हैं, उसी के बेसिस पर ओपन किया गया है जो भी एरिया ओपन किया गया है। और उसके लिए जो रेड और ग्रीन और जो ऑरेंज जो अलग अलग जोन्स बनाए गए हैं उन जोन्स के अंदर भी ये डिसाइड किया गया है कि कौन सा, देखिए जो रेड जोन हम कह सकते हैं मतलब वो बहुत ज़्यादा उनके उसके अंदर केसेज नंबर ऑफ केसेज आर नॉट सफिक्स सेटिस्फैक्ट्री हम कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा है केसेस और उन केसेस को कंट्रोल में लाने के लिए वहाँ पे नॉर्मलसी लाना पॉसिबल नहीं है, तो उन्हें रेड जोन में रखा गया है। इसके अलावा जो ऑरेंज जोन्स हैं उसके अंदर ये कह सकते हैं कि कुछ केसेस ऐसे हैं, कुछ जगहें ऐसी हैं, वो सिटीज़ इन्वॉल्व की गई है जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस भी नहीं होल्ड कर रही है लेकिन मिनिमम लेवल पर भी नहीं है, मतलब काफ़ी केसेस हैं और रिकवरी भी इक्विवेलेंट लेवल पे हो रही है, तो इस तरीके से वो ऑरेंज जोन में आएगा। इसके अलावा जो रेड ग्रीन जोन है वो जोन कैरी करता है वो एरियाज़ को जिसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ केसेस है और वहाँ पे जो दर है हम कह सकते हैं रिकवरी की वो भी सही है और मृत्यु दर भी कम देखी जा रही है, तो इस बेसिस पर इन एरियाज़ के अंदर उस हेल्थ मिनिस्ट्री ने उन उन सिटीज़ को रेड जोन में रखा है जो कि बहुत ज़्यादा खतरे में है कोविड-19 से के तहत। जो सिटीज़ ऐसी है जो कि मीडियम जो है स्टेज पर बिलोंग कर रही है, मतलब जिसके अंदर बहुत ज़्यादा केसेस भी देखने को नहीं मिल रहे हैं और मिनिमम केसेस भी नहीं है, वो ऑरेंज जोन में रखी गई है। और ग्रीन जोन जो है उसके अंदर बहुत ही मिनिमम केसेस के साथ में जो एरियाज़ हैं उन्हें रखा गया है। तो ये एक हेल्थ मिनिस्ट्री ने डिफ़ाइन किया है और उसी के बेसिस पर लॉकडाउन को एक्सटेंड करने की बात कही गई है कि लॉकडाउन जो है ये एक्सटेंड ज़रूर हो रहा है लेकिन उन एरियाज़ में जो है जो रेड जोन है वहाँ पे उसके तहत उसी के लेवल पर जाकर के सिक्योरिटी को बढ़ता जाएगा, सिक्योरिटी इम्पोज की जाएगी और जहाँ पे ऑरेंज या ग्रीन जोन है वहाँ पे उस लेवल की सिक्योरिटी होगी, ठीक है, और उस लेवल पे अलाउंस दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट टैक्सेस की। अब देखिए बहुत बड़ी बात है कि अप्रैल के अंदर जो डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू है, डायरेक्ट टैक्सेस का जो कलेक्शन है गवर्नमेंट के पास में, वो लॉकडाउन होते हुए भी अप्रैल मंथ में हाईएस्ट लेवल पे 36.6% पर रहा, ठीक है, जिसके अंदर हाईएस्ट जहाँ पे रहा है वो है मुंबई, जिसके अंदर 500% तक रिकॉर्ड हुआ है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन या डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू, जबकि बेंगलुरु सेकंड पोजीशन पे रहा है जो कि 160% तक टैक्स कलेक्शन को
लीड कर रहा है सेकंड पोजीशन पे रह के। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं लॉकडाउन के दौरान भी जो है टैक्सेस के जो एक हेल्प मिल रही है सरकार को, टैक्सेस के थ्रू एक जो सपोर्ट मिल रहा है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, इनकम टैक्स कलेक्शन जो बताया गया है अप्रैल का वो करीब 19,762.1 करोड़ बताया गया है ओवरऑल कॉरपोरेट टैक्स का, है ना। जबकि सॉरी कॉरपोरेट ये इनकम टैक्स है, जबकि कॉरपोरेट टैक्स जो बताया गया है वो 14,608.1 करोड़ बताया गया है। तो अगर मैं बात करूं कि लॉकडाउन के दौरान भी इस दर पे अगर लोग अलर्ट है या टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है गवर्नमेंट के पास में, तो ये बहुत लेवल पे हेल्प कर सकता है सरकार की और हमारे देश की आम जनता की। ठीक है, सो इट इज़ अ गुड थिंग टू गो फॉर। नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज सील इंटर स्टेट बॉर्डर्स ऑर्डर्स चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी ने ये जो है हम कह सकते हैं ऑर्डर्स दिए हैं कि आने वाले टाइम में अच्छा चीफ सेक्रेटरी है विजय देव जी, उन्होंने ये ऑर्डर दिए हैं कि आप जो इंटर स्टेट बॉर्डर्स है उन्हें सील कर दिया जाए, जिससे कि माइग्रेंट वर्कर्स जो कि इलीगल लीगली ट्रांसपोर्ट्स में जो है ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं व्हीकल्स, जो ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल्स है उसके अंदर जो अपने घर को जाने के लिए इलीगली या अपने घर को नहीं भी जाने के लिए या वर्क करने के लिए भी इलीगली वो लोग ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हुए गाड़ियाँ, जैसे कि हम कह सकते हैं माल की गाड़ियाँ सामान की गाड़ियाँ जो आ रही है उसके अंदर बैठ के एक से दूसरी जगह जा रहे हैं और बिल्कुल नॉर्मल सी लाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन ये चीज़ दूसरों की लाइफ के को हानि पहुँचा सकती है, नुकसान पहुँचा सकती है, उनको उनकी लाइफ को खतरे में डाल सकती है, इवन उनके खुद की जो वर्कर्स हैं उनके खुद की या माइग्रेंट वर्कर्स जो है उनकी खुद की लाइफ भी एट प्रेजेंट इस पोजीशन में नहीं है कि वो नॉर्मल लाइफ को सर्वाइव कर सके या इस तरह की कोई हरकत को बेयर कर सके। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सॉरी स्टेट गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर दिया है दिल्ली के विजय देव जो कि चीफ सेक्रेटरी है, दे ऑर्डर दैट अभी एट प्रेजेंट सारे इंटर स्टेट बॉर्डर्स को सील कर दीजिए और द इंटर स्टेट बॉर्डर्स मस्ट बी कम्प्लीटली सील्ड एंड स्ट्रिक्ट विजिल एंड शुड बी इम्पोज और मेंटेन्ड ऑन इंटर स्टेट गुड सर्विस कैरियर टू। जो आप सामान माल लाद कर जो सामान की जो गाड़ियाँ इधर से उधर जा रही है उन पर भी बिल्कुल स्ट्रिक्ट आपको एहतियात बरतने होंगे, जिससे कि एक्सेस लेवल पे गाड़ियाँ इधर से उधर ना जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होना चाहिए और ना ही लोग अलाउ होने चाहिए उसके अंदर, ओनली 1 पर्सन शुड बी अलाउड या कुछ जो इम्पोर्टेंट पर्सनस है वही अलाउड होने चाहिए गाड़ी में सफ़र करने के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे लिवरेज टेक्नोलॉजी टू ओवरकम एकेडमिक लॉसेस। दिल्ली गवर्नमेंट के या हम कह सकते हैं दिल्ली के सीएम जो है उनका ये कहना है कि लिवरेज टेक्नोलॉजी टू ओवरकम एकेडमिक लॉसेस, मतलब कि जो आप एकेडमिक लॉसेस हो रहे हैं, देखिए हर तरीके से हर क्षेत्र में सरकार कार्य कर रही है लेकिन एकेडमिक क्षेत्र में ये कंडीशन है कि स्टूडेंट्स जो है काफ़ी सफ़र कर रहे हैं और पढ़ाई का या हम एजुकेशन बेसिस पर बहुत सारे लॉसेस हो रहे हैं, एकेडमिक बहुत सारे लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। उस कंडीशन में सरकार के ये जो प्रयास है उसके तहत सीएम द्वारा ये कहा गया है कि आप जितना हो सकता है टेक्नोलॉजी को यूज़ कीजिए एजुकेशन ट्रांसफ़र करने के लिए, एकेडमिक लॉसेस को ओवरकम करने के लिए। देखिए रेगुलरिटी ना होने के कारण हमें एकेडमिक लॉसेस देखने को मिल रहे हैं और एकेडमिक लॉसेस को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ अप्रोच करनी होगी और उसी के तहत सीएम ने ये बात कही है दिल्ली के सीएम ने कि एकेडमिक लॉसेस को ओवरकम करने के लिए हमें मैक्सिमम लेवल पर टेक्नोलॉजी को यूज़ लेना होगा, जो कि हमारे लिए एक बहुत अच्छा टूल साबित हो रहा है इन दिनों, है ना। नाउ द नेक्स्ट इज़ ऑल्सो फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली गवर्नमेंट टू डबल अमाउंट ऑफ फ्री राशन पर पर्सन। केजरीवाल जी ने अभी फ्री राशन जो है प्रोवाइड करवाने की बात कही थी पर पर्सन, तो उसी के तहत फ्री राशन प्रोवाइड करवाया जाएगा, जो प्रोवाइड हो रहा है उसे डबल कर दिया जाएगा, ऐसा जो है सीएम द्वारा निर्देश दिए गए हैं। और उसी के तहत अब नेक्स्ट न्यूज़ है कि बैजल जो है जो कि लेफ्टिनेंट हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल, उनको सीएम के गवर्नर या गवर्नमेंट द्वारा ये आदेश दिए गए हैं कि आप सिटी का स्टेटस जो है वो कोविड-19 के तहत कैसा है, मैनेजमेंट कैसा है, उसका एक रिव्यू लीजिए। तो उसी के तहत उन्होंने जो है लास्ट कल जो है रिव्यू लिया था उसका पूरा और ये लास्ट फ्यू डेज में उन्होंने पूरा एनालाइज़ किया कि कोविड-19 के तहत सिटी का मैनेजमेंट कैसा चल रहा है, ये प्रॉपर है या नहीं है, ये सारी चीज़ों का इन्होंने
डिटेल एक्सप्लेनेशन कैरी किया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे भीलवाड़ा रेजिडेंट्स यर्न टू फॉर रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मलसी। भीलवाड़ा के जो लोग हैं वो लोग, अच्छा ये देखिए एक बहुत अच्छी अच्छा मॉडल, भीलवाड़ा मॉडल ऑलरेडी बहुत न्यूज़ में था, भीलवाड़ा का मॉडल, और उसी के तहत हमने देखा था बहुत सारे इम्पॉर्टेंट जो है न्यूज़ हमें देखने को मिली थी और बहुत लाइमलाइट में था, क्योंकि अचानक से बहुत सारे केसेस का आ जाना और फिर उन केसेस पे कंट्रोल पा पाना ये एक बहुत बड़ी बात है, और भीलवाड़ा में इस चीज़ को जो है पॉसिबल करके दिखाया था। और वहाँ की गवर्नमेंट के अलावा वहाँ की आम जनता भी खुद को लेकर और खुद के स्वास्थ्य को लेकर, खुद के परिवार को लेकर इतनी अलर्ट है कि उन्हें और किसी गवर्नमेंट गाइडलाइंस की नीड ही नहीं है, है ना। तो भीलवाड़ा के जो खुद के लोग हैं वो इस बात को लेकर चिंता में हैं या उदास है हम कह सकते हैं, कि भाई वापस नॉर्मल सी जो आने वाली है, वापस जो रूटीन लाइफ में आएंगे हम लोग, तो उससे कहीं ऐसा ना हो कि हम फिर से वापस उसी पोजीशन में जाकर खड़े हो जाएं। तो अल्टीमेटली लोगों का खुद का इस बात को लेकर अलर्ट होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर करना या रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह बिहेव करना, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पे अपनी सारी जिम्मेदारी को पूर्ण करना, इट इज़ सच अ वेरी बिग थिंग दैट हैज़ बीन शोन बाय दी भीलवाड़ा गवर्नमेंट और भीलवाड़ा रेजिडेंट्स। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट इज़ COVID-19 हैज़ मेड आर अप्रोचेज टू इशू ऑफ PWD मोर हैंड्स ऑन। ये बात कही गई है असम के कमिश्नर द्वारा। असम के कमिश्नर का ये कहना है, जो कि कौसर हिलाली है, उनका ये कहना है कि रिसेंटली जो है उनसे इंटरव्यू में एक बात की गई, इस बारे में पूछा गया और कंसीडर किया गया कि आप COVID-19 के दौर में किन चीज़ों को फेस कर रहे हैं, किया है आपने अब तक। उसी दौर में उन्होंने ये बात कही कि PWD कैंडिडेट्स, मतलब जो हैंडीकैप्स हैं या जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं, उन्हें जो है हमें उनको हैंडल करना या उनके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना या उनके लिए जो हेल्पिंग हैंड्स खड़े होते हैं वो हैंड्स ना पॉसिबल होने के कारण और भी इश्यूज़ जो है हमें देखने को मिले, लेकिन उसके तहत भी हमने काफ़ी अप्रोच या इश्यूज़ जो है सॉल्व करने की कोशिश की और ऐसे अप्रोचेज लिए जिससे कि इन इशू को सॉल्व किया जा सके। और अभी उनका ये कहना है कि मैं बहुत इस चीज़ को लेकर खुशनसीब हूँ कि हमारे स्टेट के अंदर बहुत प्रॉपर वे में हैंडीकैप जो है या डिसेबल्ड या डिफरेंटली एबल्ड पर्सन जो है उनकी उनको अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने बहुत सेंसिटिविटी के साथ इस वर्क को फुलफिल किया, और मैं उन सारे एक्टिविस्ट और ग्रुप्स को भी जो है थैंक्स करता हूँ या अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हैंडीकैप या जो डिफरेंटली जो एबल्ड पर्सन है या डिसेबल्ड पर्सन जो है, डिसेबल्ड नहीं कह सकते, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन जो हैं उन्हें प्रॉपरली हैंडल किया, उनसे डील की और बहुत सेंसिटिविटी के साथ में उन्हें जो है इस परिस्थिति से निकालने की कोशिश की, और इस परिस्थिति में उन्हें ये एहसास न होने दिया कि वो डिफरेंटली एबल्ड हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो है एक प्रस्ताव या इस तरह का एक डिफरेंट जो है मोड भी हमें देखने को मिला, जिस समय सारे स्टेट्स सारी सिटीज़ इस दौर से गुजर रही है कि हम कैसे COVID-19 से उभर कर आए, उस दौर के अंदर असम के द्वारा या असम के हम कह सकते हैं जो वहाँ के जो कमिश्नर हैं उनके द्वारा ऐसा स्टेटमेंट आना और स्पेशली फोकस करना PWD कैंडिडेट्स को, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है ना, और एक नया एस्पेक्ट निकल कर आता है कि किस तरीके से स्टेट्स वर्क कर रहे हैं, किस तरीके से सोशल एक्टिविस्ट वर्क कर रहे हैं और किस किस डिपार्टमेंट को या किस किस पर्टिकुलर पोर्शन या एरिया के लोगों को इस चीज़ से सफ़र करना पड़ रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नो प्रॉम गेटी एट थ्रिसुर पूरम दिस ईयर। थ्रिसुर पूरम जो है वहाँ पर एक इस इन दिनों में एक ओकेजन कैरी होता है, दैट इज़ कुडामोट्टम सेरेमनी होती है ये, और इसके तहत वहाँ पे बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है, लेकिन इस साल जो है ये सेलिब्रेशन नहीं होगा COVID-19 के चलते, और इसी के तहत गवर्नमेंट का ये डिसीज़न दिया गया है कि यहाँ पे सिर्फ 5 लोगों द्वारा
टेम्पल के अंदर ही जो जो प्रावधान किए जाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी रिलीजियस डे भी जो इम्पोर्टेंट है किसी पर्टिकुलर रीज़न के लिए वो इफेक्ट हो COVID-19 के तहत, या वो सेलिब्रेट ना हो किसी भी लेवल पे। इसलिए सिर्फ 5 लोग जो है मंदिर के अंदर उन सारी जो सेरेमनी को कंप्लीट करेंगे जो आज तक बहुत सारी मात्रा में लोग करते आए हैं। एंड आई थिंक ये इसकी हिस्ट्री में, स्थापना के बाद ये हिस्ट्री में पहला दिन होगा ऐसा, या पहला फेस्टिवल ऐसा होगा जिसके अंदर सिर्फ 5 लोग टेम्पल के अंदर ये सेरेमनी कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा मैं आप यहाँ पिक्चर देख सकते हैं, मैक्सिमम लेवल पे लोग इकट्ठे होते हैं और बहुत बड़ी सेरेमनी ऑर्गेनाइज की जाती है यहाँ पे। ठीक है, सो ये हमने एक सेरेमनी जो कि उसके बारे में देखा है। अब हम बात करेंगे एडिटोरियल सेशन की। एडिटोरियल में सबसे पहला सेशन है रिकवरिंग अर्ली। ये बहुत अच्छी बात है कि एक बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हमें पॉजिटिव न्यूज़ लेकर आता है कि हम अब इस दौर के अंदर इन दिनों रिकवर बहुत जल्दी कर रहे हैं। जो लोग चाहे हॉस्पिटलाइज हैं चाहे नहीं हैं, इजी लेवल पे अगर हम बात करें, ऑन एन एवरेज अगर बात करें, तो लोग बहुत जल्दी रिकवर कर रहे हैं इस डिज़ीज़ से, COVID-19 पेंडेमिक से। और इससे रिकवर करते हुए मैक्सिमम जो कि रेट जो पहले 25% तक या उससे कम थी, अब वो बढ़ गई है ना। इस तरीके से हम कह सकते हैं कंटिन्यू अगर इसी सीरीज के अंदर रिकवरी बढ़ती चली जाएगी तो देखिए एकदम से अचानक से 0 लेवल पे आना केसेस का, बिल्कुल एक भी केस ना आना, ये पॉसिबल नहीं है। तो इस दौर में अगर पॉजिटिवली ये बात भी आ रही है कि केसेस जो है रिकवर हो रहे हैं, लोग रिकवर कर रहे हैं, हाँ बढ़ रहे हैं, केसेस बढ़ भी रहे हैं रेगुलरली, लेकिन उनकी दर जो है रिकवरी की रेट भी जो है वो भी बढ़ रही है, तो ये भी हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव न्यूज़ है। एंड पॉजिटिवली अगर इसे देखा जाए तो हम पॉजिटिव वे में जो बढ़ते हुए केसेज हैं उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज वी नीड अ मोटिवेशन टू वर्क ऑन। और अगर वो मोटिवेशन हमें मिल जाता है तो हम डेफिनेटली वी कैन वर्क ऑन पर्टिकुलर एरियाज। ओके, सो देखिए हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऐसे कहा है कि जो हमारा परसेंटेज है वापस कवर अप करने का, वो करंटली जो है 25% तक स्टैंड कर रहा है, ऑलमोस्ट जो है डबल है पिछले 2 हफ्ते के अंदर जो है ये रेट डबल हो गई, 25% पे हम स्टैंड कर रहे हैं रिकवरी रेट्स में। सो इट इज़ अ गुड थिंग। अमंग द कंट्रीज मूविंग टू द मास टेस्टिंग स्ट्रेटजी आफ्टर द मेजर्ड लॉकडाउन एंड सक्सेसफुल कंट्रोल ओवर वायरल ट्रांसमिशन इन इज़ न्यूजीलैंड। और एक मैं बता देती हूँ आपको, एक बहुत उसका अच्छा एग्जाम्पल जो सामने देखने को आया है वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में इतना अच्छी तरीके से प्रॉपरली मैनेज करके कंट्रोल करने की कोशिश की गई है जिससे कि वहाँ पे आगे जो है केसेस बढ़ नहीं रहे हैं और बिल्कुल बहुत प्रॉपर वे में जो है वहाँ पे केसेस को कंट्रोल किया जा रहा है। अब मैं आपको कुछ डेटा शेयर कर देती हूँ। अच्छा, डेटा तो हम ठीक है, हम बाद में डिस्कस कर लेंगे उसके बारे में। न्यूजीलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो है केसेस बिल्कुल ज़ीरो पे थे इनिशियली, और फिर बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ गए, लेकिन उन्होंने इतना प्रॉपर वे में वहाँ पे रिकवरी और कंट्रोल किया है कि वहाँ की स्थिति अब बिल्कुल देखने लायक है कि किस तरीके से उन्होंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि इंटरनेशनली या ले लो या नेशनली ले लो, वी आर गोइंग टूवर्ड्स दी रिकवरी। हम रिकवरी देखिए केसेस बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे, एक ही दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में वापस नॉर्मल सी आना इज़ नॉट पॉसिबल। बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे केसेस आना भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये एक ट्रांसमिटिंग डिजीज़ है, बिल्कुल ट्रांसमिटिंग वायरस है जो बहुत इजीली ट्रांसमिट होता है, तो इसे कंट्रोल कर पाना इतना इजी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हो रहा है उसके बाद भी रिकवर इजीली हो रहा है तो इट इज़ अ गुड थिंग, आई सेड। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ इज़ इट्स ऑल अबाउट फूड न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड सिक्योरिटी। अब हम बात करेंगे कि फार्मर्स का जो कॉपरेशन है, क्या टेक्नोलॉजी अपग्रेड जो हो रही है, या फेवरेबल पब्लिक पॉलिसीज़ जो है, ये सब हमें हेल्प कर रही है या कर सकती है इंडिया में एक अच्छी फूड न्यूट्रिशन और लाइवलीहुड सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हम अपने यहाँ पे एक अच्छी फूड न्यूट्रिशन और लाइवलीहुड सिक्योरिटीज़ जो ये जो सिक्योरिटीज़ है इन्हें प्रोवाइड करवाएं, या किसी भी लेवल पे लोगों को फूड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा के और मैक्सिमम लेवल पे अपग्रेड करने की कोशिश करें, तो ये एक अच्छा टाइम है जिस दौर में हम ये सब कर सकते हैं। और इस दौर में फार्मर्स का कोऑपरेशन मिलना, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होना,
और फेवरेबल पब्लिक पॉलिसीज मिलना, तो ये सब चीज़ें भी पॉजिटिव साइंस देखने को मिल रहे हैं जो COVID-19 के दौर में हमें देखने को मिल रहे हैं। और जनरली आम जनता को इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है रूटीन लाइफ में, लेकिन इस दौर में ये सब चीज़ें आना भी एक पॉजिटिव साइन है हमारे लिए कि हम आने वाले टाइम में भी इस तरह की पॉलिसीज़ को पॉजिटिवली हम देख सकते हैं या हमें मिलने की उम्मीद है, आशंका है ना। इस तरीके से ये जो है एक आर्टिकल है, बहुत अच्छा आर्टिकल है और सिंपल लैंग्वेज में डिफाइंड है। आप चाहें तो बिल्कुल इसे अच्छे से पढ़ के और एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं इसका, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है ताइवान्स कोरोना वायरस प्रोटोकॉल शोज़ हाउ इट इज़ डन। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ताइवान जो है वो सामने आया है। ताइवान जो है उस वो एक बहुत हाईली, जो हम कह सकते हैं हाई लेवल जो सिक्योर्ड या हाईएस्ट लेवल पर सिक्योरिटी या हेल्थ मेजर्स को अपनाने वाला सिटी कहलाया है। मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ कि ताइवान एक ऐसा जो है सार्स से जूझ रहा था पिछले 17 साल पहले। वहाँ पे एक सार्स COVID-19 जैसी एक बीमारी का प्रादुर्भाव हुआ था, दैट वाज सार्स। और सार्स से जूझने के बाद 17 सालों में ताइवान ने ये जो है पूरे कह सकते हैं 17 सालों तक इतने सारे उन्होंने टेक्नोलॉजिकल या मेडिकल लेवल पे जो हम कह सकते हैं टेस्ट कर लिए हैं रिकवरी के जो, या इस तरीके की जो डिजीज़ेस है या वायरसेस है उनको हैंडल करने के लिए इतने सारे मेजर्स फॉलो कर लिए हैं कि हम ये कह सकते हैं कि ताइवान अपने आप में एक बहुत संपन्न जो है कंट्री के रूप में सामने आ रहा है। अब अभी क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी क्या हुआ है ऐसा, या अभी क्यों रोल में रहा है ये, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये ताइवान ने जैसे ही 31 दिसंबर को ये बात नॉलेज में आई कि फर्स्ट केस जो है आया है, फर्स्ट जो है चाइना वुहान जैसी सिटी के अंदर ये ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही है, उसी दिन से ताइवान ने वुहान से आने वाली सारी फ्लाइट्स को क्वारंटाइन कर दिया और उसी के साथ में सिक्योरिटी मेजर्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। उसी के चलते अगर हम देखें, बात करें, तो ताइवान के अंदर तब से लेके अब तक आई थिंक 42,000+ कुछ केसेस देखे गए हैं, है ना। 42,315 केसेस 9th of April तक टोटल टेस्ट हुए हैं, जिसमें से 380 कंफर्म केसेस निकले हैं और उसमें से 54 जो है वो इंडिजीनियस हुए हैं, जबकि 326 इम्पोर्टेड है और 5 डेथ्स हैं, है ना। 80 पीपल हैड बीन रिलीज फ्रॉम हॉस्पिटल, 80 को जो है नेगेटिव टेस्टिंग के बाद में रिलीज कर दिया गया है हॉस्पिटल से। तो अगर हम बात करें कि चाइना की कंपैरिजन में, चाइना की प्रॉक्सिमिटी के बाद बात करें, तो ताइवान जो है 183 में से 123rd रैंक पे है कंफर्म केसेस के पर मिलियन के बेसिस पे अगर बात करें, तो ये 123rd रैंक पे 183 कंट्रीज़ में से होना बहुत पॉजिटिव साइन है। जिस समय इंटरनेशनल लेवल पे ये सारी चीज़ें चल रही है और इंटरनेशनल लेवल पे जो है कंट्रीज़ उसको बेयर नहीं कर पा रही है, उस कंडीशन में किसी भी कंट्री का 123rd पोजीशन पे होना, अपने अंदर ही अंदर पॉलिसीज़ के थ्रू कंट्रोल में कर लेना, इट इज़ सच अ वेरी गुड साइन फॉर अस। सो दिस हैज़ शोन दैट ताइवान्स एग्रेसिव एफर्ट्स टू कंट्रोल द पेंडेमिक सॉरी एपिडेमिक आर वर्किंग। तो इससे ये पता चलता है कि ताइवान जिस लेवल पे वर्क कर रहा है इस एपिडेमिक के दौर में, वो बिल्कुल 100% पॉजिटिव साइंस दे रहा है और उसके ये जो एफर्ट्स है एग्रेसिव एफर्ट्स, ये काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट द मिस्ट्रीज ऑफ दी लो COVID-19 नंबर्स। ये एक मिस्ट्री होती है जब हम सुनते हैं कि उस राज्य में या उस सिटी में तो एक भी केस नहीं आया, तो ये केसेस इस तरह की बातें जब हम सुनते हैं तो ये हमारे लिए एक मिस्ट्री क्रिएट हो जाती है कि ऐसा क्या किया उस सिटी ने या उस कंट्री ने जो कि वहाँ पे एक भी केस नहीं आया है COVID-19 का, जहाँ पे पूरा इंटरनेशनल लेवल पे पूरा वर्ल्ड जूझ रहा है COVID-19 से और उसे लड़ रहा है। उस कंडीशन के अंदर ऐसी कौन सी सिटी या स्टेट बनता है जिसके अंदर एक भी केस नहीं आया? तो यहाँ बात करें वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल को किस तरीके से लॉकडाउन किया गया है, क्या क्या चीज़ें वहाँ अपनाई जा रही है और क्या क्या बैटल जो है चार्जेस फॉलो किए जा रहे हैं, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जिससे कि इन्फॉर्मेशन जो है डेथ की या फिर जो हम कह सकते हैं इन्फेक्टेड पीपल्स की, तो इस बेसिस पर, और टेस्टिंग भी बहुत कम हो रही है, डेथ रेट भी बहुत कम है, इन्फेक्टेड लोग भी बहुत कम आ रहे हैं,
तो उसकी पूरी स्ट्रेटजी यहाँ पे बताइए कि ऐसा क्या चीज़ है जो वेस्ट बंगाल ने फॉलो किया और वहाँ पे केसेस देखने को नहीं मिल रहे हैं उससे रिलेटेड, है ना। सो यू मस्ट गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स। मैं चाहती हूँ कि आप इसे खुद से पढ़ें और समझें कि इसके अंदर ये एक स्टोरी टाइप पैटर्न है पूरा, कि वेस्ट बंगाल क्या फॉलो कर रहा है बहुत सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ईजीली आप जो है इसको समझ पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज़ आर्टिकल है वो है, एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री गिव्स नोट फॉर न्यू पार्लियामेंट प्रोजेक्ट। तो मैं आपको बता देती हूँ, आपको नॉलेज में होगा, हमने कल परसों न्यूज़ में भी डिस्कस किया है कि पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है वो न्यू बनने के लिए प्रोजेक्ट साइन हो गया है और उसी के तहत अब न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो है फॉर्म होगी और इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो कहीं ना कहीं पुरानी पार्लियामेंट्री जो बिल्डिंग है उससे मैच करेगा और उसी के बेसिस पे न्यू बिल्डिंग को भी फॉर्म कर दिया गया है। आप देख सकते हैं नया लेआउट है पूरा न्यू पार्लियामेंट का। तो ये लेआउट देखिए, 10.75 एकड़ एरिया के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी के साथ में बनाया जाएगा पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स। देख सकते हैं आप यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है। तो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री जो है उन्होंने इस चीज़ के लिए इजाज़त दे दी है, ये जो नया पार्लियामेंट प्रोजेक्ट है उसे अप्रूव कर दिया उन्होंने, ठीक है। सो लीगल चैलेंज जो अप्रूवल मिल गया है, जो कि लीगल चैलेंजेस आ सकते थे उसके तहत कुछ अप्रूवल उन्हें मिल गया है लैंड यूज़ करने के लिए, ठीक है। ये एक अच्छी न्यूज़ थी। अब उसी के तहत हम नेक्स्ट न्यूज़ जो डिस्कस कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट बन जाती है वो है महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शंस टू बी हेल्ड ऑन 21 मई। अब COVID-19 के दौर में जहां हम गुजर रहे हैं और एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज को फेस कर रहे हैं, उसी के तहत एक नया और न्यूज़ सामने आ रही है, एक नया मुद्दा सामने आ रहा है, वो ये है कि महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शंस रखे जाएंगे, हेल्ड होंगे 21 मई को, बिल्कुल सिक्योरिटी के साथ में और बिल्कुल प्रॉपर वे में, सेफ़ और सेंसिटिव फैसिलिटीज़ के साथ में कंडक्ट किए जाएंगे और बिल्कुल सैनिटाइजेशन एंड ऑल फैसिलिटीज़ विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड बिकॉज वी कांट स्टॉप आर लाइव्स और आर गवर्नेंस इन जस्ट इन द वे ऑफ पेंडेमिक, वी कांट स्टॉप ऑल दीज थिंग्स। सो फॉर दैट वी हैव टू गो अहेड, वी हैव टू टेक इम्पॉर्टेंट मेजर्स, वी हैव टू टेक इम्पॉर्टेंट स्टेप्स अगेंस्ट इट, ओके। सो इसके तहत ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शंस होना एक पॉजिटिव साइन है, ठीक है। अब लोग इससे कैसे देखते हैं, क्या पॉजिटिविटी शो होती है क्या नहीं होती है, वो सारी चीज़ें डिफरेंट वे में है। इसके अलावा हमने देखिए फर्स्ट पेज पे रेड ग्रीन और ऑरेंज जोन की बात की थी, तो यहाँ रेड जोन्स की लिस्ट दे रखी है, ठीक है। और भी जो है आपको इस पूरे पेपर में अगर आप एनालाइज़ करेंगे तो ओवरऑल आप पूरे पेपर को एनालाइज करके निकालेंगे तो 4 to 5 आर्टिकल्स ऐसे हैं जो रेड ग्रीन और ऑरेंज जोन से जो है बिलोंग करते हैं या उनसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो आप बिल्कुल उन सारे जोन्स पर जाइए, पता कीजिए, एक लिस्ट बनाइए कि कौन कौन सी सिटीज़ है जो, और बिल्कुल ये लिस्ट आपको नेट पर या इवन न्यूज़पेपर में भी, आज के इस न्यूज़पेपर में भी ओवरऑल प्रोवाइडेड है, तो आप उसे देखिए और तो आपको पता चलेगा कौन कौन सी सिटी जो है वो रेड में आ रही है, कौन सी सिटीज़ है जो ग्रीन में आ रही है और कौन सी सिटीज़ है जो ऑरेंज जोन्स के अंदर आ रही है, जिससे कि यू विल वर्क पॉजिटिवली टूवर्ड्स ऑल दी सिटीज़, ओके। नेक्स्ट न्यूज़ इज इकोनॉमिस्ट कॉल फॉर अर्बन जॉब स्कीम। इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि मनरेगा या जो रूरल हेल्थ केयर या रूरल जो है जॉब स्कीम चलाई जा रही है, मनरेगा चलाया गया है और ये सब कुछ रूरल बेसिस पे हो रहा है और रूरल बेसिस पर जो है काफ़ी सारी स्कीम्स भी प्रोवाइड करवाई जा रही है गवर्नमेंट द्वारा, राशन फैसिलिटीज़ भी दी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सिटीज़ में ये फैसिलिटीज़ की कमी होने के कारण सिटी के जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा लॉसेस फेस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिव साइंस देखने को मिल रहे हैं उनमें। तो इस दौर में हमें ये ज़रूरत है, इकोनॉमिस्ट का ऐसा कहना है कि अगर हमें अपने आप को ग्रो अप करना है, अपनी इकोनॉमी के साथ साथ अपनी पब्लिक को भी ऊपर लेकर आना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें अर्बन एरियाज़ में भी जॉब स्कीम्स को प्रोवाइड करवाना होगा। भाई अर्बन एरियाज़ में सारी इंडस्ट्रीज़ बंद कर रहे हैं, आप सारा सब कुछ बंद कर रहे हैं, पार्शियली ओपन भी जो है कुछ सरकम्स जो है कंडीशन उसके ऊपर क्रिएट किया जा रहा है, तो इन सारी कंडीशंस को देखते हुए वी नीड टू ओपन दी अर्बन जॉब्स, वी नीड टू गो थ्रू दी अर्बन जॉब स्कीम्स बिकॉज वी आर ओनली वर्किंग ऑन रूरल एरियाज एंड बाई दिस आर अर्बन एरिया विल गोइंग टू बी लैक इन द वे ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज और आई कैन से जॉब स्कीम्स। सो दे कैन, इट कैन बी पॉसिबल दैट दे कैन लॉस देयर सर्वाइवल्स ऑल्सो। सो फॉर दिस
government have to work in this department or then in this particular way. Okay, so ये हमारे आज की news articles थे, जो भी important news articles थे वो मैंने आपसे discuss किए. इसी के अलावा एक और जो है मैं आपसे discuss कर देती हूँ, MODs हैं, मतलब Ministry of Defence. उन्होंने अपनी one day salary जो है PM CARES fund में every month जो है डोनेट करने का फैसला लिया है. अब आपको लगेगा वन डे सैलरी एंड ऑल, तो नेगेटिव इश्यूज जिसके माइंड में आते हैं वो कई बार आ जाते हैं. तो मैं आपको बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, ऑलरेडी जो है बहुत पे ग्रेड कम होती है. ऑलरेडी आर्मी ले लीजिए आप, चाहे आप और भी फोर्सेस ले लीजिए, तो वो बाहर रहकर जो बेचारे सर्व कर रहे हैं नेशन के लिए, वो हमारे लिए ऑलरेडी एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो हमारे लिए. उसके बाद भी अपनी कुछ मिनिमाइज सैलरी, या हम कह सकते हैं कुछ मिनिमम सैलरीज में से भी वन डे सैलरीज को कट शॉर्ट करके पे करना पी एम केयर्स फंड में, इट इज़ सच अ वेरी बिग डील एंड वी कैन से इट इज़ अ वेरी गुड हेल्प फॉर आर कंट्री. ओके, सो ये कंट्रीब्यूशन हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा सराहनीय है उन लोगों के लिए जो इसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. ठीक है, इसके अलावा गुजरात के अंदर 22 डेथ्स देखी गई है और 326 जो है वो फ्रेश केसेस देखने में आए हैं. ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है. तो इसके ये हमने जो आज देखा है वो सारी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो हमने आज के न्यूज़पेपर में इम्पॉर्टेंट बन जाती है. ठीक है, इसलिए हमने मैंने कोशिश की है मैक्सिमम लेवल पे सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं जो आपके इम्पॉर्टेंट के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए या आपकी हम मैं कह सकती हूँ नॉलेज के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, वो सारे के सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं. उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई है. इसी के तहत आप आर्टिकल्स को पढ़िए, आपको समझ में आएगा और भी सारी चीज़ें, कंसेप्ट क्लियर होंगे. और मुझे कमेंट सेक्शन में रेड, ग्रीन और ब्लू जोन्स के आप नंबर्स शो करेंगे, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपने वास्तव में इस वीडियो को फॉलो किया है और आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन को लेके अलर्ट हैं, है ना. और मैं आपको बता देती हूँ एग्जाम्स एक्सटेंड होने के बिल्कुल चांसेस हैं, क्योंकि हमारे सामने ऐसी जो है स्टेटमेंट आया है. तो इस स्टेटमेंट के बेसिस पर हमें ये तो पता चल गया कि एक्सटेंड होंगे, लेकिन आप इस भरोसे ना रहिएगा 2-4-6 महीने एक्सटेंड रहे, ऐसा कुछ नहीं है. कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए एक्सटेंड होंगे, जिससे कि हमें पॉजिटिव साइन मिल गया है कि हम अपनी प्रिपरेशन को जो है और ज़्यादा अच्छा स्ट्रांगली प्रिपेयर कर सकते हैं. फॉर दैट वी नीड टू गो थ्रू ऑल दीज करंट अफेयर्स सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द स्ट्रैटेजीज एंड वी कैन अंडरस्टैंड द करंट अफेयर्स. ओके, सो थैंक्स फॉर बींग विथ मी. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे.